हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जी के आज की इस वीडियो में हम ए पी पी एस सी फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर सॉल्व पेपर को हम डिस्कस करेंगे तो आप सभी हमारी इस वीडियो सीरीज़ के एंड तक ज़रूर बने रहें आप यदि आप आई बी पी एस ए एफ ओ मेन्स कोर्स की तैयारी मेन्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं जिसका प्राइस फाइव हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ है इसमें आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे पी डी एफ ई बुक्स दी जाएगी एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स की ई e बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड प्लस फिफ्टी प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा इसके अलावा व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा प्लस आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स के अंडर पे आप यदि इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है आप वहाँ से भी इस कोर्स को डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सीरीज़ को हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन है डाइंग बैग फिनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज टाइंग बैग जो फिनोमेना है वो किसमें स्पीसीज में आपको देखने नहीं ऑब्जर्व नहीं होता टेक्टोना क्रेंडिस में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द साइट क्वालिटी ऑफ एन एरिया क्या होता है कि इसमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है डिटरमाइन करने के लिए साइट क्वालिटी किसी भी एरिया की तो वो है टॉप हाइट ऑफ द क्रॉप क्या होना चाहिए इसकी टॉप हाइट ऑफ द क्रॉप फिर फिल इन द ब्लैंक्स इज स्पीसीज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी और साइज़ ऑफ रिलेटिवली लिटिल सिल्वीकल्चर वैल्यू और इम्पोर्टेंस एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल स्पीसीज वो है एसेसरी स्पीसीज जो एक स्पिसज होती है ठीक जो कि क्वालिटी और साइज़ की इनफीरियर रहती है ठीक है रिलेटिवली लिटिल सिल्वीकल्चर वैल्यू होता है और इसका इंपॉर्टेंस होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर वो है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ मेथड ऑफ थिनिंग आउट इन द इेगुलर क्रॉप इरेगुलर क्रॉप में जो भी थीनिंग uh, मेथड होती है वो कौन सी है सिलेक्शन थिनिंग जो मेथड है एक प्रकार की जिसमें कि रेगुलर क्रॉप में होती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंडिंग ऑपरेशन इनमें से टेंडिंग ऑपरेशन कौन सा है कौन सा नहीं है वो है रिजनरेशन फेलिंग द रैपिड डायमीटर इंक्रीमेंट ऑफ ट्रीज ड्यू टू लाइट लाइट स्टमस फॉलोइंग इंक्रीमेंट फेलिंग इज नोन एज लाइट इंक्रीमेंट से कहा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कॉपी कॉपी कर कौन सा है वो है नेक्स्ट uh, Equiset, uh, है लिग्नो ट्यूबर्स अंडरग्राउंड स्वेलिंग्स फाउंड इन मोस्ट स्पीसीज ऑफ लिग्नो ट्यूबर्स जो है अंडरग्राउंड स्वेलिंग वो मोस्ट स्पीसीज किस में पाए जाते हैं यूके लिप्टस में फिलिंद द प्लैंक रिफर्स टू अ टेक्निक ऑफ लोअरिंग ग्राउंड वाटर इन वाटर लोक्ड एरिया बाई रेजिंग ट्रीज प्लान्टशन क्या होते हैं जो बायोड्रेनेज हैं बायोड्रेनेज मतलब क्या होता है एक रिफर्स करते एक प्रकार की टेक्निक होती है जिसमें लोअरिंग ग्राउंड वाटर जो लोअरिंग ग्राउंड वाटर होता है वहाँ पर वाटर लोक्ड एरिया कहाँ पर जहाँ पे पानी का भरा होता है जल भराव एरिया में क्या होता है क्रॉप्स को प्लांटेशन ट्री प्लानेशन को हम क्या करते हैं ट्री प्लानेशन करते हैं वहाँ पर लाइफ टेबल रिफर्स टू वन ऑफ द बेसिक टूल ऑफ ये किसका है लाइफ टेबल वो है डेमोग्राफिक एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिफाइन सेलाइन सॉइल कब होगी जब उसका पी एच एट पॉइंट फाइव से कम होगा ठीक है ई सी क्या होगी ठीक है वो फोर डी एस पर मीटर से ज़्यादा होगी एंड नेक्स्ट जो होगा ई एस पी ठीक है ई एस पी कितना होगा वो होगा फिफ्टीन से कम तो ये कंडीशन होगी किसके लिए सलाइन सॉइल के लिए नेक्स्ट है हेज़ार्डस बेस्ड मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स कम इन टू एक्सिस्टिंग इन द ईयर तो जो हेज़ारडस बेस्ड मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स जो आया था वो किस ईयर में आया था वो आया था नाइनटीन एटी नाइन में अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जो अर्थ डे है ठीक है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को फिल इन द ब्लैं साइज ऑफ क्ले पार्टिकल एज पर यू एस डी ए ठीक है क्लासीफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर सॉइल टेक्चर के अकॉर्डिंग जो क्ले का पार्टिकल्स का साइज होता है वो होता है इस लैस जे जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम मिलीमीटर से कम होता है विच फ्रैक्शन ऑफ द फॉल्विंग वाटर इज रीडली अवेलेबल टू प्लांट्स इनमें से जो कौन सा फ्रैक्शन वाटर का अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए वो है कैपिलरी वाटर वेन इज द वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड एनुअली हर साल जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है पाँच दिसंबर को लाइम डोलोमाइट बेसिक्स लेक फ्लू डस्ट एंड पुड एस आर यूज फॉर रिक्लमेशन ऑफ हम लोग लाइन का लाइम का यूज ठीक है डोलोमाइट बेसिक्स फ्लू डस्ट पुड एस इसका यूज हम किसके रिक्लेमेशन के लिए करते हैं रिक्लेमेशन मतलब कि उसको किसके सुधार के लिए ताकि उसको हम लोग उसमें क्रॉप्स को ग्रो कर सके तो वो एसिडिक सॉइल जब एसिडिक सॉइल होती तो हम उसमें लाइम डोलोमाइट इन सभी में से किसी एक का यूज़ कर देंगे तो उसका रिक्लेमेशन हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स एवोल्यूट द क्वालिटी ऑफ अ सॉइल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है सॉइल हेल्थ कार्ड क्या करता है वो सॉइल की क्वालिटी को एज अ फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स उसको क्या करता है एवोल्यूट करता है We'll be right <laughs> back. द टाइप ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड वेयर कॉटिलिडीन एमर्स आउट ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एपीजियल जर्मिनेशन तो ये क्या होता है जब भी टाइप ऑफ जर्मिनेशन जर्म जर्मिनेशन का वो टाइप जहाँ पर जो सीड होता है ना सीड का कॉटलीडीन जो होता है बाहर जाता है ठीक है सॉइल के बाहर एमर्ज आउट होता है एमर्ज होता है एमरजेंस का बोलता है सॉइल के बाहर तो उसका हम बोलते हैं एपिजियल और जब सॉइल के अंदर हो जाता है उसका एमर्ज तो वो हो जाएगा हाइपोजियल विच ऑफ द फॉलोविंग आर टू ट्रू तो वो है ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल जितनी भी प्रोडक्टिव सॉइल्स हैं वो फर्टाइल होंगी और ऑल फर्टाइल सॉयल आर नॉट प्रोडक्टिव ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ ग्राउंडनट वायटी ग्राउंडनट का साइंटिफिक नेम क्या है अरिके हाइपोथिया इसकी जो वैरायटी है वो कौन सी नहीं है वो है चंद्रमुखी इसकी वैरायटी नहीं है ठीक है िटी इन इंडिया ड्राई लैंड अब देखिए क्या है कि इनमें से कौन सी फार्मिंग है जिसको हम यूज करते हैं उसकी सोइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए इंडिया ड्राईलैंड में वो है ले फार्मिंग सर्टिफाइड सीड इज द प्रोजनी ऑफ सर्टिफाइड सीड किसकी प्रोजनी है वो है फाउंडेशन सीड की फाउंडेशन सीट को कौन सा कलर का टैग दिया जाता है व्हाइट टैग दिया जाता है और सर्टिफाइड को कौन सा दिया जाता है अजार ब्लू कलर का सीट दिया जाता है टैग दिया जाता है। ओके वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड वेराइटी ऑफ ट्रीज और वाइन्स यदि ट्री और वाइन्स की कोई वेराइटी है रजिस्टर्ड तो उनको प्रोटेक्शन जो दिया जाता है उसका ड्यूरेशन कितना रहता है अठारह साल का रहता है विथ नेक्स्ट uh, है सीड ट्रीटमेंट विथ द हार्ट सीड कोट इज रेपचर्ड और बीकन मैकेनिकली और केमिकली इज कॉल्ड स्कैरिफिकेशन क्या होते हैं सीड ट्रीटमेंट की ठीक है मैथड जो है इनमें से एक मैथड होती है जिसमें उसका सीड कोट होता है ना उसको हम मैकेनिकली और केमिकल के द्वारा क्या कर देते हैं उसको रपच्चर्ड कर दिया जाता है फ्लावरिंग ऑफ ट्रीज एट एनी अर्ली स्टेज इज नोन एज फ्लाविंग ऑफ ट्रीज ट्रीज़ का फ्लावरिंग ठीक है अर्ली एज में किस नाम से, नाम से जाना जाता है प्रिकोशियस फ्लावरिंग के नाम से इसे जाना जाता है क्रॉस पॉलीनेशन बिटवीन फ्लावर्स बॉर्न ऑन टू डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट ऑफ ठीक है प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज़ नोन एज जीनोकेमी क्रॉस पॉलिनेशन किसमें फ्लावर्स बॉर्न जो होते हैं उनके बीच का जो क्रॉस पॉलीनेशन होता है ऑन टू डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट्स में उसमें सेम स्पीसीज में वो बोल देते हैं हम लोग उसे जीनोकेमी बैक्टीरियल लीव प्लाट ब्लाइट ठीक है जैंथोमनास और आइजी इज अ एंड डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ वन ऑफ द फ्लावरिंग फॉलोविंग कल्चर एग्रीकल्चर क्रॉप क्या है जो बैक्टीरियल लीव प्लाइट है वो प्रीवेलेंट करता है और डिस्ट्रक्टिव डिजीज है किस एग्रीकल्चर क्रॉप की वो है राइस औरटाइबा इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है जैंथोमनास और आइजी अकॉर्डिंग टू चैम्पियन एंड सेट क्लासीफिकेशन नाइनटीन सिक्सटी एट देयर आर फिल्स मेजर ग्रुप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया तो चैम्पियन और किसके सेट के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कब किया था इन्होंने क्लासीफिकेशन दिया था नाइनटीन सिक्सटी एट में तो so, जो मेजर ग्रुप्स हैं कितने मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें फॉरेस्ट को इंडिया में इंडिया में फॉरेस्ट को डिवाइड किया है फोर्व मेजर ग्रुप्स नेक्स्ट है एनिमल्स विच हैव अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस आर कॉल्ड Uh, यूरी थर्मल ठीक है नेक्स्ट है द रोल प्लेड बाय स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड तो जो रोल प्ले करता है स्पीसीज के द्वारा नेचुरल हैबिटेट में से क्या बोल देते हैं नाइक नेक्स्ट है फिलिंदा ब्लैंक्स आर ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज विद इन बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैविंग सिमिलर इकोलॉजिकल फीचर्स इन अ हैबिटेट वो है गोइल्स uh, ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ़ एनिमल बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन तो इनमें से जो साइंटिफिक स्टडी है एनिमल बिहेवियर का नेचुरल कंडीशन में तो वो बोल देंगे हम उसको एथोलॉजी ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेश वाटर लेक इज ऑल्सो आ बर्ड सेंचुरी एज वेल एज रैमसर बैटलैंड वो है कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश ये फिलिंदा ब्लैंक्स इज अज दैट हैजोर्शनली प्रपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नेचुरल एनवायरमेंट रिलेटिव टू इट्स की स्टोन स्पिस जो होती है वो डिसनेटली लार्ज इफेक्ट करती है नेचुरल एनवायरमेंट uh, पे द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट वॉज इटेड इन दर टू थाउजेंड टेन ठीक है टू थाउजेंड टेन में इनैक्ट हुआ था ये एक्ट आया था विथ सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवन डिक्लेन ऑफ नैशनल पार्क वो है सेक्शन थर्टी फाइव के अंडर पे है हाउ मनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन इंडिया इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं वो है फिफ्टी इन विच ईयर आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट एक्ट कैम इंटू फोर्स वो आया था नाइनटीन सिक्सटी सेवन में विच ईयर द फॉरेस्ट राइट एक्ट वॉज इनेक्टेड कब हुआ था फॉरेस्ट राइट एक्ट तो वो हुआ था टू थाउजेंड सिक्स में फिलिंथा ब्लैंक्स इज द एबिलिटी ऑफ ग्रास लैंड यूनिट टू गिव एडिकेट सपोर्ट टू अ कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक फॉर स्टेटेड पीरियड ईच ईयर विदाउट डिटोरिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड और अदर प्रॉपर लैंड यूज वो है कैरिंग कैपेसिटी फॉर्म ऑफ form, uh, form erosion सबसे ज्यादा फॉर्म होता है गली ठीक है erosion, क्या है क्या वो गली इरोजन पंचाली इज अ ब्रीड ऑफ पंचाली जो ब्रीड है वो किसकी है शीप की है ऑबीस अरीज ठीक है इसका साइंटिफिक नेम रिकेट्स इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ जो रिकेट्स बीमारी होती है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है एक्चुअल मिल्क ईल इज़ कन्वर्टेड इन टू मिल्क विथ फोर परसेंट फैट बाई यूजिंग फार्मूला क्या होता है जो एक्चुअल मिल्क ईल है उसको हम लोग क्या करते हैं मिल्क में कन्वर्ट करते हैं फ़ोर परसेंट फैट के साथ और उसका फॉर्मूला क्या होता है एफ़ सी एम इज़ इक्वल टू फैट करेक्ट मिल्क एफ सी एम क्या होता है इस पर जहाँ पे एफ सी एम का मतलब होता है फ़ैट करेक्ट मिल्क एम मतलब होता है वेट ऑफ मिल्क और एफ़ मतलब होता है वेट ऑफ फैट इन मिल्क तो एफ़ सी एम इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर एम प्लस फिफ्टीन एफ इज़ करेक्ट राइट आंसर और करेक्ट फॉर्मूला टू कन्वर्टेड इन टू मिल्क ठीक है एंड नेक्स्ट है यूरिया यूरिया कंटेंस नाइट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन टू एन एस टू सी ओ एन एस टू एमाइड फॉर्म में ये अवेलेबल होता है और ये फोर्टी सिक्स परसेंट क्या होता है इस पर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप इज प्रेटेड बाई स्टोन मैथड स्टोन ग्राफ्टिंग मैथड से कौन सी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोपोगेटेड होती है वो है मैंगो मैंजीफेरा इंडिका वट इज द साइंस ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन वेजिटेबल प्रोडक्शन के साइंस को क्या कहते हैं तो वो है आपका ओलिकल्चर अब फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो वो हो जाता है पोमोलॉजी ठीक है वेयर इज़ आई सी ए आर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लोकेटेड एट ये लोकेटेड है कहाँ पर लखनऊ में है विच ऑफ़ द फॉलोइंग पोर्टल फॉर फार्मर एनेवल्स ऑल इंडिया ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेश्स इन एग्रीकल्चर एंड एलि सेक्टर्स टू गिव इंफॉर्मेशन सर्विसेस एडवाइजरीज टू फार्मर बाई एस एम एस इंडिया लैंग्वेज रीडिंग प्रफरेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड लोकेशन वो है एम किसान पोर्टल क्या होता है जो एम किसान पोर्टल है वो फार्मर्स को एनेबल कराता है सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर और एलिट सेक्टर के उनको वो इंफॉर्मेशन सर्विस एडवाइजर्स जो होते हैं फार्मर्स को उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनको एसएमएस के जरिए उन तक पहुंचाया जाता है एम किसान पोर्टल के द्वारा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पपेन आ प्रोटी प्रोटिईटिक एंजाम प्रजेंट इन द लेटेक्स ऑपटेन फ्राम इमेच्योर फ्रूट्स ऑफ पपाया तो क्या है पपेन का क्या यूज़ है ठीक है प्रोटिवलाइटिक एंजाइम जो है एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो कि कहाँ प्रजेंट रहता है लेटिक्स में और ये कहाँ से मिलता है हमको इमेचर फ्रूट्स ऑफ पपाया से वो है फॉर मीटनराइजेशन इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लानेशन क्रॉप एरियोफाइड इट इोफाइड इज अ मेजर पेस्ट किसका है ये यह है कोकोनट का वॉट आर बी पी पी वन बी पी पी टू वी पी पी थ्री वी पी पी फोर और बी पी पी फाइव जो वाइटीज ऑफ केशोनट की है वेराइटी हैं ओके okay, केशोनट से केशूनट का जो फैनी किससे बनती है केशोनट से बनती है ठीक है फैनी और इसको जी आई टेक कहाँ पर दिया गया है फैनी के लिए उसे दिया गया है गोवा को ठीक है वॉट इज द वेस्ट सुटेड सॉयल टाइप ऑफ कल्टिवेशन फॉर केशोनट के लिए जो स्ट्रेट्स हैं का इसमें साइल सूट करती है सुटेबल है फ्रूट कैंकर इज अ पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप फ्रूट क्रॉप जो है पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ है पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज मतलब कि हार्वेस्टिंग के बाद जो फ्रूट कैंकर होते हैं वो गुआबा में होते हैं सीडियम कोआझावा में एनी ऑफेंस अंडर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेकेबल बैलेबल हाउ मैनी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड कितनी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रियाँ वो हैं सत्रह इंडिया इज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी बायो जियोग्राफिकल जोन्स में कितने में डिवाइडेड है वो टेन में डिवाइडेड है हाउ मैनी सब स्पीसीज ऑफ टाइगर हैव बीन नाउ रिकोगनाइज बेस्ड ऑन मॉलिकुलर मार्कर्स वो हैं सिक्स ठीक है नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मलिन फ्लैंक मार्क वाटर स्ट्रेस इंडेक्स वैन फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज वन थाउजेंड टू सेवनटीन हंड्रेड कम परसन पर ईयर कंट्रीज एक्सपीरियंस वाटर स्ट्रेस इन फिजिकल इंप्योरिटी टेस्ट वाटर कलर इज़ एक्सप्रेस इन हेजन यूनिट्स ठीक है ब्लू बेबी सिंड्रोम इज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो हाई कंसनट्रेशन होता है नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर में द प्रिंसिपल इन्वॉल्व यूजिंग एक्टिवेटेड कार्बन फॉर बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज मतलब कि प्रिंसिपल जो कि इन्वॉल्व किया जाता है एक्टिवेटेड कार्बन के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए वो है एबजॉपन द सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम्स इन्वॉल्विंग ट्रीज कंबाइंड विथ क्रॉप्स एंड एनिमल्स ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज एग्रो फॉरेस्ट्री ठीक है सस्टेनेबल लैंड जिसका यूज़ सिस्टम किस में करते हैं ट्रीज़ को इन्वॉल्व करते हैं किसके साथ क्रॉप्स के साथ ठीक है कंबाइन करके उसको लगाया जाता है उसे हम एग्रोफॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं द फर्स्ट जे एफ एम गाइडलाइंस वॉज इस्यूड बाई एम ओ एफ ठीक है इन द ईयर नाइनटीन नाइनटी होम गार्डन्स इज द मोस्ट प्रिविलेंट एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम बींग एडॉप्टेड इन ह्यूमेड्रॉपिकल रीजन में अडोप्टेड है नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी ऑफ कैलिसनिया इज एट्रीब्यूटेबल टू फ्रेंकिया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है वो कब इनेक्टेड हुआ था वो हुआ था टू थाउजेंड फाइव में रेडिस ब्राउन फ्लैक्स ऑन लीव ब्लीचिंग प्री मेच्योर एजिंग इन प्लांट्स इज कॉज बाई ओजोन द अनयूजेबल रेजिड्यू लग ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर आफ्टर लॉगिंग इज कॉल्ड श्रेस ठीक है अनस्टेबल जो रेसिड्यू होते हैं जो फॉरेस्ट फ्लोर पे लॉगिंग के बाद हैं वो स्लैस कहलाते हैं द मिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोविंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू एंश्योर दैट द ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नॉट अ थ्रिएट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर वो है ट्रैफिक विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ हैट्रो वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन की हेट्रोवेजिटेबिटेटिव मेथड नहीं है वो है लेयरिंग जो है वेजिटेटिव मेथड नहीं है सैडल क्लेफ्ट पेनियर साइड ब्रिज वार्क रूट आर वेरियस काइंड्स ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये जो सारी मेथड है वो किसकी है एक ये इसी का ग्राफ्टिंग के ही मेथड्स में इसमें आते हैं उसके ही टाइप्स में है वॉट इज़ द ट्री दैट हैज बीन रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन और ब्रीडिंग ऑर्कट्स यूज फॉलविंग ग्रेडिंग इस कॉल मतलब कि क्या होते हैं जो भी ऐसे ट्रीज जो रिकमेंडेड करते हैं प्रोडक्शन और ब्रीडिंग ऑर्कट्स के लिए वो ग्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं वो है प्लस ट्री ऑरटेशन ऑफ सिंगल ग्रीन हाउस विथ लेटीट्यूड एवं फोर्टी डिग्री नॉर्थ सुड हैव ब्रिज रनिंग वो है ईस्ट टू बेस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ जनरल टर्म विच अप्लाइज टू द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स विदाउट सॉयल इन एन इनर्ट मीडियम इन टू विच न्यूट्रिय सोल्यूशंस आर यूजली पम्प्ड ऑटोमेटिकली एट रेगुलर इंटरवल्स वो है ग्रेबल कल्चर आर डिजीज ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन इस कॉल एस एक डिजीज एनिमल्स की जो कि क्या होती है ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है उसे हम क्या कह देंगे जूनोसिस कहते हैं अ डिप ऑफ द बेडिंग प्लेन मीजर्ड इन अ डायरेक्शन अदर दैन दैट ऑफ ट्रू डिप इज़ नोन एज अपरेंट डिप अ लाइन ड्रॉन इन ऑन अ बीडिंग बेडिंग प्लेन एट राइट एंजर्स टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रू डिप इज़ नोन एज स्ट्राइक लाइन एक्सपोज सरफेस ऑफ अ रॉक स्टेटम ऑन द ग्राउंड इज नोन एज आउट्रॉप के नाम से जाना जाता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंस्ट्रोमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड यदि हमें विंड का डायरेक्शन को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग वैदर क्लाक वैदर कॉक का यूज़ करते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट है ये फिलिम द बैंक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ़ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर सेक्शन टू ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सेवन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में फॉरेस्ट प्रोड्यूसर सेक्शन टू के अंडर पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइन्टीन ट्वेंटी सेवन में किस को इंक्लूड नहीं किया गया था उसे फिश को नहीं किया गया था द वाइल्ड वर्ड्स एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इैक्टेड इन द ईयर ये जो वाइल्ड uh, वर्ड्स और एनिमल्स का प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो नाइनटीन टवेल्व में आया था प्रो न्यूट्रियट इज़ द माइक्रो इन्ग्रीडिएट इूडेड इन एनिमल फीड इन रिलेटिव रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट विथ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू तो जो प्रो न्यूट्रियन्ट है एक प्रकार के माइक्रो इन्ग्रीडियंट होते हैं जो कि एनिमल फीड में इस्माल अमाउंट्स में क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इंक्लूड होते हैं ऑफ एक्सलेंट फीड्स पाश्चर इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक मैथड फॉर मेंटेनिंग लार्जर लाइफ स्टॉक तो पाश्चर है वो मोस्ट कन्वीनियंट है और इकोनॉमिक मैथड है किसके लिए मैंटेनिंग करने के लिए लार्जर लाइफ स्टॉक को फिलिंदा मैंग्स इज़ एन एग्जाम्पल फॉर प्लांट प्रोटीन एज अ सोर्स ऑफ एनिमल फीड वो है कॉटन सीड केक जो है वो प्लांट प्रोटीन का एक एनिमल फीड के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है इन फिल दाही वाल इज एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिल्च ब्रीड सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली पशु है वो है शाही इसे हम लोग लोला है ना लोला के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी लूज स्किन होती है ठीक है सिरोही ब्रीड अमंग द फॉलोइंग इंडियन गोट्स इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न ईडी एरेड और सेमी एरिड रीजन तो जो सिरोही है वो इंडियन गोट्स की एक ब्रीड है ठीक है गोट का साइंटिफिक नेम क्या होता है हिरकस नेक्स्ट है which, uh, so, इन विच इन द ब्लैंक्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ वर्ड्स कॉज बाई इन्फ्लुएंजा अ वायरस सो इनमें से जो वर्ड्स की डिजीज़ है वो कौन सी है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होती है वो है एवियन इन्फ्लुएंजा ठीक है द डी एन ए फाउंड इन क्रोमोसोम इज जो डी एन ए है वो क्रोमोसोम uh, में फाउंड होता है वो है यूनिक डी एन ए और रेपिटिव डी एन ए फिल ब्लैंक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, दे आर अदर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस इन सेल वो है साइटोजेनेटिक्स जो है स्टडी होता है स्ट्रक्चर और बिहेवियर का क्रोमोसोम में ठीक है नेक्स्ट है फिलिंदा ब्लैंक्स मैप्स आर जनरली प्रिपेयर ऑन वन रेशो फिफ्टी थाउजेंड स्केल वो है मैनेजमेंट मैप्स है ठीक है फिलिंदा ब्लैंक्स इज अ टेबलर स्टेटमेंट शोइंग द ऑर्डर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑल वर्क टू बी कैरीड आउट ड्यूरिंग द ईयर वो है एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशंस ब्रांडिस हिप्सोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हाइट ऑफ ट्रीज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पे उसके बेस्ड पे जो ट्रीज की हाइट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रोमेंट यूज होता है वो है ब्रांडिस हिप्सोमीटर नेक्स्ट है स्टम्प एनालिस स्टडीज द प्रोग्रेस ऑफ डायमीटर इंक्रीमेंट ऑन स्टर्म थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ट्री नेक्स्ट है प्रेसलस इंक्रीमेंट पोरर इज यूज टू डिटरमाइन द एज एंड डायमीटर इंक्रीमेंट ऑफ ट्रीज ठीक है इन द ब्लैंक्स इज़ एन हील टेबल इन विच पैरामीटर्स हैव बीन गिवन ओनली फॉर वन ग्रेड ऑफ थिंग विच इज विच इज यूजली सी ग्रेड वो है सिंगल टेबल In the Blanks is using a growth model to estimate the development of a stain throat time under alternative condition or cutting practices. Or a simulation. Girth over bark, the girth over bark GOV can be converted into girth under bark while using the formula G is equal to G dash minus 2 pi t. Next time, menstruation is derived from the लेटिन वर्ड ठीक है मीनिंग मीजर मैं जो है वो लेटिन वर्ड से डायरेब किया गया जे दैट मीन्स होता है मीजर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग स्टेज सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग वेयर सैम्पलिंग यूनिट्स आर नॉट टेकन आउट एट वन स्टेज बट आर ड्रॉन फ्रॉम आर पॉपुलेशन एट मल्टीपल स्टेज मल्टीपल मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग एक प्रकार की रैंडम सैंपलिंग मेथड होती है जिसमें क्या होते हैं एक स्टेज से हम उसको सेलेक्ट नहीं करते सैम्पल नहीं लेते यूनिट्स का जहाँ पे हम लोग एक मल्टीपल स्टेज में जो पोस्टी पॉपुलेशन होती है वहाँ से हम इसको सैम्पल को लेते हैं ठीक है यूनिट्स को लेते हैं Next, uh, fill in the blank sampling is a method of sampling whose characteristics features is that the number of observation in the samples is not determined in advance but sampling units are taken successively from a population तो सिक्वेंसल सैम्पलिंग क्या होता है एक प्रकार का सिक्वेंसल सैंपलिंग से, होता है जहाँ पे आ, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं लेकिन हम उसको डिटरमाइन नहीं करते हैं एडवांस बट हम लोग सैम्पलिंग को यूनिट जो होता है उसे हम सक्सेसिवली कैसे लेते हैं एक पॉपुलेशन से लेते हैं डायोप्टर बेसल एरिया फैक्टर प्लॉट रेडी रेडियस फैक्टर ट्री फैक्टर कैलिब्रेशन डिस्टेंस फैक्टर आर टर्म यूज इन पॉइंट सैम्पलिंग एज पर आई यूसीनो लेपार्ड इज कैरेक्टराइज कैटेगराइज अंडर लिस्ट नेक्स्ट है वेबलटोना मैकेलिस इज अ पॉपुलर नोन एज स्ट्रोनाइजर फिलिंद ब्लैंक्स आर रूट फीडर विच किल द सीडलिंग बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ रूटलेट्स और रिमूवल ऑफ बार्क ऑफ टॉप टैप रूट तो इनमें से है कॉक चाफर जो है वो एक रूट फीडर्स है जो कि क्या करते हैं सीलिंग्स को किल करता है रूट रूटलेक्स को डिस्ट्रेक्ट करने के लिए और रिमूव करता है बार को टैप रूट से टैप रूट के कैंकर इज़ अ नेक्रोटिक सिम्टम है ये कैसा सिम्टम है इसका नेक्रोटिक सिम्टम है कंट्रोल्ड वर्निंग इन अ फॉरेस्ट इज़ कंट्रोल्ड वर्निंग जो होते हैं फॉरेस्ट में वो क्या है सिल्विकल्चरल ऑपरेशन फिर है लॉरेंथस इजा ये क्या है बिच कॉज डैमेज टू फॉरेस्ट एरिया वो है पैरासाइट है जो कि क्या करता है फॉरेस्ट ट्रीज को डैमेज करने का करता है डैमेज करता है लॉरेंथस फॉरेस्ट फायर स्प्रेडिंग स्लोली ओवर द ग्राउंड विथ लो फ्लेम इज कॉल्ड क्रीपिंग फायर जब भी फॉरेस्ट फायर होता है तो वो स्प्रेड करता है धीरे धीरे स्लोली है ना ओवर द ग्राउंड ग्राउंड में करेगा वो लो फ्लेम में तो उसे हम बोल देंगे क्रीपिंग फायर क्या बोल देंगे हम उसे क्रीपिंग फायर वाटर, अर्थ बीटिंग एंड काउंटर फायरिंग आर द मैथड्स ऑफ एक्सेंटाइजिंग फॉर कंट्रोल ऑफ फायर नेक्स्ट है एमंग एनिमल्स ठीक है गोट इज अ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एनिमल डिस्ट्रक्टिंग द फॉरेस्ट मतलब कि जो इनमें से ब्राउजिंग एनिमल्स में जो गोट है कैपरा हिरकस ये क्या है मोस्ट कैसे डिस्ट्रक्टिव एनिमल है जो कि डिस्ट्रक्टिंग कर देता फॉरेस्ट को द एनिमल्स अंडर दिस क्लास हैव मोइस्ट सॉफ्ट स्किन एंड लेग स्केल्स तो इनमें से कौन से जो एनिमल्स हैं उनकी जो स्किन uh, होती है वो सॉफ्ट होती है ठीक है स्किन सॉफ्ट है और मोइस्ट होते हैं लेग स्केल्स होते हैं वो है एम्फीबिया फाइलम एकाइनोडर्मा डर्मेटा जो है इंक्लूड्स एनिमल लाइक स्टाफिश सी अर्किन एंड सी स्टार जो फाइलम एकाइनो डर्मेटा है इसमें uh, जो स्टाफिश हो गया सी अर्किन हो गया सी स्टार इसमें इन्वॉल्व हैं इंक्लूड है नेक्स्ट है द ब्लैंक्स आर ऑन गवर्नमेंट नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरिया विद अनादर कंजर्वेशन रिजर्व नेक्स्ट है एन एरिया इज डयर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवन टू फिलिंदा ब्लैंक्स इज एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ इंडिया वो है एशियाटिक चीता द एनिमल ड्वेलिंग इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम शोजरे गेग्रेनियसनेस और कीन साइट एंड स्विफ्ट रनिंग वो है ग्रासलैंड एनिमल्स विच कैन टॉलरेट नैरोक्चुएशन इन साल्ट कंसनट्रेशन और कॉल्डेज स्टेनो हेलाइन इनमें से जो एनिमल्स जो कि क्या करते हैं नैरो फ्लक्चुएशन होते हैं साल्ट कंसनट्रेशन में उसे हम क्या कर देंगे स्टेनो हैल देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स सॉरी थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स इनमें इनमें से जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के तीन टाइप्स हैं फिलिंद ब्लैंक्स

सरफेस ऑफ द रोड वो है पैचिंग ठीक है कलवर्ट्स आर स्मॉल विद आ स्पान ऑफ लेस देन फोर मीटर फिलिंद द ब्लैंक्स इज अ मोबाइल ऐप विच टर्नस अ स्मार्टफोन इंटू आ टूल दैट ट्रैक्स डिजीज ट्रीज एंड डिलेवर्स फॉरेस्ट हेल्थ टाटा टू साइंटिस्ट एंड फॉरेस्ट मैनेजर्स अराउंड द वर्ल्ड वो है ट्री ट्रैगर ट्री टैगर जो होता है एक मोबाइल ऐप है जो कि हम क्या करते हैं स्मार्टफोन में टर्न करते हैं इनटू अ टूल में दैट ट्रैक्स डिजीज ट्रीज जो है डिलीवर्स फॉरेस्ट हेल्थ डाटा को ये ट्रैक करने का काम करता है और साइंटिस्ट एंड फॉरेस्ट मैनेजर्स पूरे वर्ल्ड में फिलिंदा ब्लैंड स्पीसीज इज़ एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्री फॉर ड्राई रीजन ऑफ द कंट्री वो है अकेशिया नीलोटिका नेक्स्ट yeah. yeah. है फिलिंदा ब्लैंक्स इज कॉल्ड एज अल्फा अल्फा ऑफ द ट्रॉपिक बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशियस फॉर्डर इनमें से है ल्यूकेशिया ल्यूकोसिफेला फिलिंदा ब्लैंक कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन लैस एंड वर्न और स्वीडन कल्टिवेशन के नाम से कौन सा कल्टिवेशन जाना जाता है वो है सिफ्टिंग कल्टिवेशन अब सिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होते हैं लोग क्या करते हैं एक प्लेस पे एक जब तक खेती करते हैं तब तक कल्टीवेशन करते हैं जब तक कि उसकी फर्टिलिटी डैमेजिंग नहीं हो जाती और जैसे ही वहाँ की फ़र्टिलिटी लूज हो जाती है वो वहाँ से मूव और कर मूव करके कहीं और कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं एमंग द करॉप्स ग्रोन इन द होम स्टेट फिलिंदा ब्लैंक इज़ द मोस्ट डोमिनट एंड इम्पॉटेंट ट्री नोन एज ट्री ऑफ हंड्रेड यूजेज़ वो है कोकोनट नेक्स्ट है फिल इन द बैंक्स मैकेनिकली ब्रेक्स अप द कम्पैक्टेड सॉयल लेयर इनमें से जो डीप रिपिंग है वो मैकेनिकली क्या करता है कंपेक्टेड सॉयल लेयर को ब्रेक करने का काम करता है नेक्स्ट है दो जावानीज होम गार्डन्स होम होम गार्डन्स आर सिटेड एज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल टू शो डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्रॉपिकल होम गार्डन्स वो है जापानीज डाइवर्सन ऑफ लार्ज फॉरेस्ट लैंड वॉज रिक्वायर्ड फॉर पोलावरम प्रोजेक्ट अक्रॉस गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश नेक्स्ट है फिलिंदा ब्लैंक्स इज मोस्ट असेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल लाइफ फार्म वो है वाटर बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है फिलिंदा ब्लैंक्स इज द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ क्ले एंड अदर फाइन पार्टिकल डाउन द प्रोफाइल जो एल्यूबिएशन है एक मैकेनिकल मूवमेंट है क्ले और अदर फाइन पार्टिकल्स का जो कि कहाँ पर डाउन द प्रोफाइल के अंडर पर होता है एलिबियशन को हम वॉशिंग आउट भी कहा जाता है नेक्स्ट से इरोजन फिजियोग्राफिक एलिबीशन एंड सब्सिडेंस आर द इनिशियल कॉजेज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट से द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन इंडिया आर डिफरेंशिएटेड इंटू सेवन ग्रुप्स जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंडिया में है उसको सेवन ग्रुप्स में डिफरेंशिएट किया गया है फेलिंग साइकिल इज डिफाइंड एज द टाइम दैट एलेप्स बिटवीन सक्सेस मैन फीलिंग इन द्र सेम एरिया वो है फेलिंग साइकिल uh, नेक्स्ट है फिलिंदा ब्लैंक्स इज डिस्क्राइब एज वुड ऑफ द पुअर इन इंडिया फ्रेंड ऑफ द पीपल इन चाइना ब्रदर इन बिटनेम ठीक है तो इनमें से किसको बैम्बू जो है उसको बोला क्या है बुड ऑफ द पुअर पुअर का बुड है फ्रेंड ऑफ द पीपल चाइना में से बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द पीपल एंड बिटनेम में बोलते हैं इसको ब्रदर ठीक है तो ये है आपका बैम्बू नेक्स्ट है अल्टरनेट पैटिंग एंड ड्राइंग इज द सी ट्रीटमेंट फॉलोड फॉर टेक्टोना ग्रेंडिस तो जो अल्टरनेट बेटिंग है और ट्राइंग है सी ट्रीटमेंट का वो टेक्टोना ग्रेंडिस सी ग्रेंडिस सीट ट्री सीट से फॉलो करते हैं ट्री विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अपर मोस्ट लीफ कैनोपी बट द लीडिंग सूट्स ऑफ विच आर नॉट डेफिनेटली ओवरटोप्ड बाय द नाइबोरिंग ट्रीज आर कॉल्ड एज डोमिनेटेड ट्रीज फिल इन द ब्लेंग आर ग्रुप ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट आर आइडेंटिकल टू वन पेरेंट एंड कैन ऑनली प्रोपोगेटेड ए सेक्चुअली वो है क्लोन्स ठीक है नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज साइट ऑफ एक्सी टू कंजर्वेशन का ये कौन सा साइट है वो है बोटेनिकल गार्डन द नंदी इन शिवा टेम्पल्स इज सेड टू रिजेंबल विथ ब्रीड ऑफ कैटल जो नंदी है ना शिवा का जो शिव के मंदिर में जो नंदी को रखा जाता है नंदी रहते हैं वो ब्रीड किस कैटल की ब्रीड है वो है हैंगोल हाइग्रोमीटर इन अ ग्रीन हाउस इज़ यूज फॉर मेजरिंग हाइग्रोमीटर कहाँ पे ग्रीन हाउस में हाइग्रोमीटर का यूज़ किस मीजर के लिए करते हैं वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मेजरमेंट के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं आपको वीडियो सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप यदि हमारे और भी किसी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जी के में विज़िट करके वहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे कोर्स हमारे एग्रीकल्चर एंड जी के चैनल में अवेलेबल हैं तो आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जी के पे और यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जी के पे थैंक यू